जयपुर में खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खुले में शौच मुक्त का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मल संक्रमण को रोकना है, जिससे गंदगी के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों से मानव को बचाया जा सके तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का सृजन हो सके, जिसके चलते सरकार द्वारा शौचालय निर्माण, नाले निर्माण, कूड़ा निष्पादन जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इसमें जन सामान्य की सक्रिय व सहभागिता आवश्यक है, बिना जन सहयोग के इसे सफल नहीं बनाया जा सकता। इस अवसर पर जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने आज स्थानीय गेस्ट हाउस में आयोजित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आयोजित एक दिवसीय सर्वधर्म संगोष्ठी व मीडिया वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन सीतापुर को ODF कराने हेतु सतत प्रयासरत है, इसमें आम जनता का सहयोग भी आवश्यक है। जिलाधिकारी ने शौचालय के निर्माण एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए भी शौचालय होना अत्यंत आवश्यक है, जिस पर हर घर की मुखिया को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लड़की की शादी तय करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि जिस घर में लड़की की शादी की जा रही है उस घर में शौचालय है या नहीं। वही यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने स्लाइड के माध्यम से स्वच्छता के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सीतापुर से राम सागर पाल की रिपोर्ट, SKH न्यूज। गंदगी सब